दोस्तों, अब से कुछ महीनों पहले अमेरिका ने जिस प्रोडक्ट के लिए भारत को कई बार धमकाने की कोशिश की थी, अब वही अमेरिका भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत अमेरिका से ये प्रोडक्ट किसी भी कीमत पर खरीदना शुरू कर दे। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की, क्योंकि जब भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदना शुरू किया तो अमेरिका ने कई बार न सिर्फ भारत को बल्कि रशिया तक को धमकाने की कोशिश की थी। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद भी भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा, और अब वही अमेरिका जो भारत को धमका रहा था, जो आज भी दो अलग अलग तरीकों से पूरे क्रूड ऑयल बिजनेस को मैनेज करता है, और आज करीब ग्लोबल 60-70% क्रूड ऑयल के बिजनेस को अमेरिका के हाथों ही कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब ये कंट्रोल अमेरिका के हाथ से बाहर निकल चुका है, जिसके कारण अब अमेरिका भारत को झुकाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुआ है, और इसीलिए अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत अमेरिका से क्रूड ऑयल वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदना शुरू कर दे। तो पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको याद हो, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है तो भारत को रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल ऑफर किया जाता है। भारत बिना कुछ सोचे समझे क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर देता है, क्योंकि रशिया को भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी, और रशिया हमारा काफी पुराना दोस्त है। लेकिन ये सारी चीज अमेरिका को पसंद नहीं आती है, और अमेरिका रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाता है और इनडायरेक्टली भारत को भी रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं था। लेकिन समय के साथ भारत रशिया से भी अपनी ऑयल खरीद को कम कर देता है, क्योंकि रशिया अपने डिस्काउंट काटना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे हमारी सप्लाई मिडिल ईस्ट में बढ़ जाती है। इसी के साथ मार्केट में एक नया प्लेयर आता है, वेनेजुएला, जिसके ऊपर अमेरिका साल 2017 और 18 में कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता है। वो प्रतिबंध भी अमेरिका इसी साल हटा लेता है, जिसके बाद हम रशिया, मिडिल ईस्ट और वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस पूरे सीन के अंदर अमेरिका भी शामिल था, क्योंकि भारत की टॉप ऑयल सप्लाईज में अमेरिका हमेशा से ही पार्टिसिपेट करता आया है, और आज भी भारत के अंदर अमेरिका से क्रूड ऑयल आता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी सप्लाई रशिया और अलग अलग देशों पर बढ़ रही थी, हमारी अमेरिका से सप्लाई कम होते चली जा रही थी, और इसी के टेंशन अमेरिका को होने लगी। और इसीलिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था आज से करीब 6 महीने पहले, क्योंकि जब भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया तो सऊदी अरेबिया, जिसके साथ अमेरिका ने ऑलरेडी इतिहास में एक बड़ी डील साइन कर रखी है, जिसके तहत जो भी तेल की खरीदारी या फिर सेल की जाएगी उसको US डॉलर में किया जाएगा। अमेरिका पहले से ही ये बात जानता था कि आगे चल के क्रूड ऑयल से बिजनेस मैनेज किए जा सकते हैं, इसीलिए न सिर्फ सऊदी अरेबिया, जो कि इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज सब US डॉलर में ही ट्रेड करते हैं, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट यूनाइटेड स्टेट को मिलता है। तो दो तरीके से अमेरिका ऑलरेडी क्रूड ऑयल के बिजनेस को कंट्रोल कर रहा था, इसके बावजूद भी ये मार्केट अमेरिका के हाथ से फिसलता जा रहा था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि क्रूड ऑयल के बिजनेस से प्रॉफिट कमाया जाए, इसलिए कीमतें बढ़ाई गई और भारत जैसे देश जो भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदते हैं इनसे मोटी कमाई की जाए। लेकिन लगातार युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने लगा कि अमेरिका इस प्राइस को बढ़ा नहीं पाया, और अब अमेरिका ने जिसके लिए गड्ढा खोदा था उसी में आकर के गिर चुका है, क्योंकि अमेरिका के ही तेल खरीदार बिल्कुल एकदम से कम हो चुके हैं। अब भारत, जो कि बड़ी मात्रा में अमेरिका से कच्चा तेल खरीद रहा था, हमारी सप्लाई कम होने लगी, इसीलिए अब भारत और अमेरिका के बीच में कई बड़ी डील्स को फाइनलाइज किया जा रहा है, और अमेरिका भारत से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि हम अमेरिका से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दें। जहां पर रिसेंटली BPCL, इंडियन ऑयल और कई प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर करीब 7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल अमेरिका से परचेस किया है, और लगातार कई ऐसी पार्टनरशिप की गई हैं जिसके तहत हमारी ऑयल सप्लाई अमेरिका से बढ़ेगी। खास बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो सरप्लस में रहता है, यानी कि हम अमेरिका को जितनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले में इम्पोर्ट बहुत कम करते हैं, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इन चीजों को बैलेंस किया जाए और भारत को तेल बेचा जाए। फिलहाल भारत को एक सही रेट पर तेल मिल रहा है, इसलिए भारत इस खरीदने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है। आपका अमेरिका के इस तरीके के भेदभाव पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।